अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी, केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटी का व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज़ से छुटकारा पाएं, पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ, गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के कथित सुसाइड के मामले में एसआईटी ने सौंपी फाइनल रिपोर्ट। एसपी मनीषा चौधरी सहित सभी को मिली क्लीन चिट। पार्षद अंजलि शर्मा ने वॉइस ऑफ पानीपत सहित एक अन्य पत्रकार पर भी लगाए थे आरोप, लेकिन पूछताछ में साबित नहीं हुए आरोप। एसआईटी ने मामले को खत्म करने की कोर्ट में डाली अर्जी। अनाज मंडी कट के पास गलत दिशा से आ रही इनोवा की दो बाइकों से हुई टक्कर, एक की हुई मौत, तीन लोग हुए घायल। हिसार जिले के बरवाला विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रहे रेलू राम पुनिया समेत उनके परिवार के 8 लोगों के हत्यारे दामाद को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। पत्नी सोनिया के साथ मिलकर की थी सभी की हत्या। विधायक धर्म सिंह छोकर ने विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों के साथ की बैठक। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की चेयरपर्सन एवं सेशन जज मनीषा बत्रा ने एसिड पीड़िता को 1,00,000 रुपए का सौंपा डिमांड ड्राफ्ट। किसानों को मिला बार एसोसिएशन का समर्थन। पानी पर टोल प्लाजा पर दिन भर लगी रही किसानों की भीड़, कृषि कानूनों को रद्द करने की करते रहे मांग। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने शहीद एमएल वर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्मों और अपने व्यक्तित्व के कारण अपनी पहचान बनाता है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पानीपत के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सेवा में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एसपी ने ट्रैफिक एसएचओ व ट्रैफिक इंचार्जों के लिए मीटिंग में सभी को दिए गए सख्त निर्देश। मीटिंग में एसपी ने आदेश देते हुए कहा सभी दुकान मालिकों को समझाएं दुकानों के बाहर ना लगवाएं रेडिया, ऑटो वालों को भी सख्त निर्देश, सर्विस लाइन में लगाएं ऑटो। मॉडल टाउन के शांति नगर में रिफाइनरी के केमिस्ट के कमरे का ताला तोड़कर नकदी सहित 2,50,000 रुपए के जेवर, मोबाइल फोन चोरा ले गए चोर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।